फालसे का फ्रूट गर्मियों में मिलने वाला एक बहुत ही हेल्दी फ्रूट है। ये बेसिकली छोटी छोटी साइज़ की बेरीज होती हैं। तो चलिए इन खट्टी मीठी बेरियों से आज एक हम बहुत ही रिफ्रेशिंग, हेल्दी एंड डिलीशियस शरबत बनाते हैं, जिसे हम फालसे का शरबत कहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निखत। वेलकम बैक टू कुक विद निकसाज। तो चलिए पहले इंग्रेडिएंट्स देखते हैं और अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें चाहिए फालसा, पानी, काला नमक, लेमन जूस एंड शुगर। क्वांटिटी मैं आपको रेसिपी के साथ बताती जाऊँगी। तो यहाँ पे हमने 3/4 कप शुगर ले ली है एक ब्लेंडिंग जार में। उसके बाद 1/2 कप पानी डाल दिया है अब हम शुगर और पानी को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेते हैं। अगर आप शुगर यूज़ नहीं करते तो आप इसकी जगह पे हनी भी डाल सकते हैं। मैंने इसे यहाँ पे 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। अब हम यहाँ पे अपने 250 ग्राम फालसा डाल देते हैं, जिसे मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। और साथ में हम डाल देते हैं 2 छोटे चम्मच लेमन जूस। और यहाँ पे मैंने लिया है 1 छोटा चम्मच काला नमक। अब मैं यहाँ पे डाल देती हूँ 1/2 कप पानी। अब हम अपनी ब्लेंडिंग जार का लिड कवर करते हैं। हमें इसे कम्प्लीटली ब्लेंड नहीं करना है, वरना जो इसके छोटे छोटे से बीज हैं वो भी शरबत में आ जाएंगे और वो हमें अपने शरबत में बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो इसे हम 2-2 सेकेंड करके 3-4 बार इस तरह से ब्लेंड कर लेते हैं। और जब आप इसे ओपन करोगे इसका लिड, तो ये कुछ इस तरह से नज़र आना चाहिए। अब हम एक स्ट्रेनर लेते हैं और इसमें सारा मिक्सचर डाल देते हैं। और यहाँ पे मैंने एक स्पून लिया है, उसकी हेल्प से इस तरह से मैं स्ट्रेन करने लगती हूँ। तो थोड़ा ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बट थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी अगर हमें एक अच्छा सा शरबत पीना है। अब 2-3 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि जूस अब हमने अलग कर लिया है। इस स्टेज पे मैंने 1 कप ठंडा पानी लिया है। अब तक हम 2 कप पानी यूज़ कर चुके हैं, 1 कप हमने ब्लेंडिंग के टाइम पे यूज़ किया था और 1 कप। अब हम इसे फिर से अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लेते हैं। सो फाइनली हमने फालसे का जूस अच्छी तरह से एक्सट्रैक्ट कर लिया है। फालसे का जूस रेडी है। आप चाहो तो इसे 1-2 घंटे तक फ्रिज में चिल कर सकते हो या फिर डायरेक्टली सर्व कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक ग्लास लिया है, उसमें कुछ आइस क्यूब डाले हैं। आइस क्यूब्स कम्प्लीटली ऑप्शनल हैं, आप अवॉइड भी कर सकते हो। और अब इसमें हम डाल देते हैं अपने फालसे का जूस। अगर हम सर्विंग साइज़ की बात करें तो हमने जितनी क्वांटिटी में आज बनाया है आप उसे 2 बड़े ग्लास या 4 छोटे ग्लास में सर्व कर सकते हो। आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आई एम श्योर आप भी ट्राई करेंगे और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में एक जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना ना भूलें। उससे आपको मेरे रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।